आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करना। यदि आपके पास इस प्रकार से लिखा हुआ कोई मैटर है जिसमें से इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर को हाईलाइट चाहते हैं करना, तो इसके लिए हमने इसको सेलेक्ट करके बोल्ड, कलर और अंडरलाइन कर दिया। अब हम सेम फॉर्मेटिंग इन सभी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर को आप सेलेक्ट करते हैं और जिस मैटर को फॉर्मेट करना है उसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। देखिए आपका फॉर्मेटिंग जो इस मैटर पर किया गया था वो इन दोनों मैटर पर भी अप्लाई हो गया। थैंक यू।